हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। आज सैटरडे है तो हम लोग जा रहे हैं मॉल। थोड़ा सा हमने सोचा बाहर की आउटिंग कर लेते हैं, तो हम लोग मॉल जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था तो मैं आप लोगों को वीडियो में वही दिखा रही हूँ। ये नोएडा में एक मॉल है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। वो मॉल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मैं आप लोगों को उसकी क्लिप शेयर कर रही हूँ और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मॉल कौन सा। जिस जिसको पता है वो मुझे कमेंट में इस मॉल का नाम ज़रूर बताइएगा। ये मॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो फ़ोटो के लिए जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड भी थे जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते, बट हमें कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी। हम लोग काफ़ी टाइम से घर पे थे तो हम लोग थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकले थे। यहाँ बोटिंग का भी था, यहाँ कुछ लोग बहुत बोटिंग भी कर रहे थे। यहाँ बोटिंग का चार्ज पर पर्सन 400 रुपीज़ था। हमने बोटिंग तो करी नहीं, बट हमने यहाँ पे मॉल का व्यू जो था हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसी जगहें थी जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते। मुझे सबसे अच्छी जगह ये बोटिंग की लगी। यहाँ इतना अच्छा पानी था और काफ़ी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको ये बोटिंग पे लेके जाते हैं। और ये जो लड़का है जो बोटिंग पे लेके जाता है वो काफ़ी अच्छा गाना भी गाता है, तो आप लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को मॉल दिखा रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने ये जगह देखी होगी, ये मॉल भी देखा होगा, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैंने इस जगह पे काफ़ी इंजॉय किया। हम लोगों ने यहाँ का फूड जो ऊपर फूड कोर्ट है वहाँ पे हमने यहाँ पे फूड भी इंजॉय किया था। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 400 मुझे चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा लगा कि पर पर्सन 400 रुपीज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, इसलिए हमने बोटिंग नहीं करी। और बाकी ये पूरा जो मॉल था वाइट कलर से, वाइट मार्बल से बना हुआ था। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं बाहर किसी देश में आ गए हों। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मॉल था, बट ये बहुत ज़्यादा दूर था। हम लोग को जाने आने में ही 1.5 से 2 घंटे लग गया और मौसम भी थोड़ा ऐसे ही था, रास्ते में काफ़ी जाम भी मिला। ये देखिए मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। और मॉल में इतना क्राउड भी नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है और मे बी इतने लोग इस मॉल को जानते नहीं हैं तो यहाँ पर कम क्राउड होता है। लेकिन ये कि यहाँ पर एक से एक ब्रांड थे, सारे ही ब्रांड जो होते हैं एडिडास, लिवाइज, ये सब सारे ब्रांड यहाँ पे थे। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छा था फ़ोटो के लिए। ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत अच्छे होटल के अंदर आ गए हैं, तो वहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये देखिए मैं आप लोगों को सारा दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक 99 स्टोर था, वहाँ पे हम लोग आए और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान लिया था, जैसे रूम फ्रेशनर हो गया, ये सब छोटी मोटी जो घर की चीज़ें होती हैं वो सब हमने लिया था। काफ़ी अच्छा सामान था। 99 नाम है इस स्टोर का, बट जो प्राइजेस हैं वो थोड़े हाई होते हैं यहाँ के, तो हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था। वैसे ये जो 99 का स्टोर है ये कई जगहों पर होता है। ये यहाँ के जो बाउल्स वगैरह ये मैं पहले ले चुकी हूँ, ये अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ कि ये बाउल है, ये 300 400 ऐसे के होते हैं। ये टूथपिक हम लेने की सोच रहे थे बट फिर मैंने कहा ये वुडन का है तो बेकार हो जाएगा, फिर मैंने लिया नहीं। फिर यहाँ पे मूवी के लिए भी था तो हमने यहाँ पे एक मूवी भी देखी थी। उसके बाद हम लोग आगे चले गए फूड कोर्ट पे। हमने दिन का लंच जो था वो हमने यहीं पे किया था। हमने पिज़्ज़ा और नूडल्स वगैरह लिए थे तो वो सब हमने यहीं पे खाया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने यहीं पे अपना फूड भी इंजॉय किया था। और यहाँ पे ना हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। आप लोग देखेंगे अगर यहाँ पे मूवी भी है और फूड का भी है और सारे ही ब्रांड के शोरूम भी है यहाँ पे, तो आप लोग अपना यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हमने नूडल्स लिया था, नूडल्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, बस प्राइस इसका 399 ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ था। फिर हमने यहाँ से पिज़्ज़ा लिया था, पिज़्ज़ा का कॉम्बो लिया था हमने। नूडल्स बहुत खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। यहाँ पे ना बच्चों के लिए भी गेमिंग जोन था, यहाँ पे आप अपने छोटे बच्चों को ला के आप पूरा दिन यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं और बाकी आप मॉल में इंजॉय कर सकते हैं। ये पैंटलून था, पैंटलून के अंदर भी हम लोग गए थे, बट यहाँ के ना कपड़े वगैरह हमें इतने अच्छे नहीं लगे तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसे राउंड लगा के निकल गए थे। फिर हम रास्ते में निकले तो काफ़ी ज़्यादा जाम था। मेरे बेटे को फुटबॉल शूज़ लेना था, वो फुटबॉल खेलता है तो उसको अच्छे लगते हैं फुटबॉल, तो हम लोग फिर आगे निकले तो वहाँ से भी हमने इसके लिए फ़ुटबॉल शूज़ भी लिया था और फुटबॉल की जर्सी भी ली थी इसके लिए। ये देखिए रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, वो मैं आपको दिखा रही, पूरा का पूरा ट्रक जो था वो पलट गया था तो उसके चक्कर से जाम हो रखा था। पता नहीं लोग कैसे ड्राइव करते हैं कि वो ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है, कि थोड़ा केयरफुली करना चाहिए क्योंकि आप हमें पता नहीं कि मतलब किसी को चोट लगी कि नहीं लगी, बट ये पूरा का पूरा ट्रक जो था रास्ते में ऐसे गिर गया था, काफ़ी ज़्यादा इसके चक्कर से जाम हो गया था। थोड़ा सा टाइम हमारा यहाँ पर भी लग गया था। फिर मैं होम सेंटर आई। मैं कहीं भी जाती हूँ अगर मुझे होम सेंटर दिखता है तो मैं जाती ही जाती हूँ, क्या कुछ लूँ चाहे ना लूँ, बट मैं वहाँ पे जाती ही जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक राउंड लगाया कि कुछ नया आ गया होगा। मैं एक ग्लास लेने की सोच रही थी बट सोचा कि अभी तो कुछ ऐसा है
कुछ मतलब नहीं है ग्लास लेने का, तो फिर मैंने नहीं लिया। स्पून्स वगैरह देखे, मुझे अच्छा लगता है होम सेंटर का सामान काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है, बट प्राइजेस थोड़े से हाई होते हैं, तो मैं थोड़ा सा सोच समझ के ही बाय करती हूँ। उसके बाद हम रास्ते में निकल गए। मौसम उस दिन सैटरडे को काफ़ी अच्छा था, बहुत क्लाउडी वेदर रखा था, और जब थोड़ा सा घर आने के टाइम पर रास्ते में बारिश भी हो गई थी, और बारिश हुई थी तो उसके चक्कर से थोड़ा जाम हो गया था, लेकिन ये था कि वेदर बहुत अच्छा था तो घूमने में अच्छा लगा था। ये हमने अपने बेटे के लिए फ़ुटबॉल शूज़ और फुटबॉल की जर्सी ली थी यहाँ से। ये होलसेल की दुकान है, यहाँ पे थोड़े से अच्छे प्राइस में मिल जाता है। ये फ़ुटबॉल है, ये है ना, हम डीकैथलॉन गए थे तो वहाँ पे डीकैथलॉन में सारी चीज़ें ही मिल जाती है, फ़ुटबॉल बास्केटबॉल शूज़ वगैरह सब कुछ ही हमें अच्छे प्राइस में मिल जाता है, तो यहाँ से हमने लिया था। ओके बाय बाय आप लोग।